ढोंग ढकोसला आडंबर पाखंड को मिटा दे, हमारे भीतर की बुराइयों को घटा दे, अच्छे अच्छे गुणों को हमारे अंदर बढ़ा दे। उस महान संत का नाम कबीर है। आइए ऐसे महान संत का संदेश, उपदेश, विचार समझने की कोशिश करें। साथ में गीता, भागवत, उपनिषद, वेद शास्त्र, नीति शास्त्र, रामायण भी, कुरान शरीफ भी समाविष्ट हो जाए। उसके साथ साथ में हमारा पर्सनल विचार भी उसी में प्रविष्ट हो जाए। सद्गुरु कबीर साहेब से किसी ने प्रश्न पूछा है, बाबा क्या प्रश्न पूछा है कि संसार में मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए जिससे कि उसके घर में भी सुख रहे, समाज में सम्मान रहे और संसार में उन्नति भी हो। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, चार बातें याद रखना। बड़ी सरल बातें कबीर साहब ने कहा है। आप गीता पढ़ें आपकी समझ में मुश्किल से आएगी, इसलिए गीता बहुत कम लोग पढ़ते हैं, रामायण ज्यादा पढ़ते हैं हिंदी में। और कबीर साहब की भाषा जो है शुद्ध हिंदी भी नहीं, ग्रामीण है, बिल्कुल हमारे आपके बीच की भाषा। तो कबीर साहब कहते हैं कि शक्लो दुर्मत दूरी करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छोड़ी के हंस गवन चलिया। गौर से समझना चार बातें। ये चार चीजें जिसके जीवन में आ जाएं तो समझ लो उसको सुख की चाबी मिल गई है। नंबर एक साहेब कहते हैं, शक्लो दुर्मत दूरी करो, शक्लो दुर्मत दूरी करो। साहेब कहते हैं, इंसान यदि तू सुख चाहता है तो अपनी समस्त दुर्बुद्धि को दूर कर दो। दुर्बुद्धि, बुद्धि तो लगभग सभी के पास है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में बुद्धि कम है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बुद्धू हैं, लेकिन ज्यादातर तो बुद्धि वाले ही हैं। लेकिन उस बुद्धि वाले से वो बुद्धू भी अच्छा है जो कम से कम बुरा नहीं कर रहा। रावण के पास में बहुत बुद्धि है, चार वेदों की व्याख्या किया है रावण ने, लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग गलत कर दिया है। बुद्धि तब महत्वपूर्ण है जब बुद्धि में शुद्धि भी हो। बुद्धि क्या चोर के पास में कम होती है? बहुत होती है। चोर बड़ा चतुर होता है। तुम अपना सामान अपने घर में रखते हो और कभी कभी ढूंढते हो, तुम ढूंढ नहीं पाते हो, और चोर रात में अंधेरे में पहली बार तुम्हारे घर में आता है और जिस सामान को ढूंढना चाहता है चुपके से ढूंढ लेता और लेकर चला जाता है। कितना बुद्धिमान है। तुम अपने घर में सामान उठाते हो, सामान हाथ से छूट जाता, नीचे गिर जाता है, आवाज होती है और प्याला फूट जाता है। चोर ऐसी सावधानी से उठाता है, कोई खटपट नहीं होती है, तुम सोते रहते हो, तुमको डिस्टर्ब भी नहीं करता है और चुपके से उठाकर चला जाता है। बहुत बुद्धिमान है। वो सोचता है आपकी नींद में डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं, अपना काम बन जाएगा। और इस भारत देश में तरह तरह के चोर हैं,
और सबसे खतरनाक चोर तो काम चोर है। तुम जहां पर ड्यूटी लगाओ काम नहीं करता है, काम चोर है। सकलो दुर्मदूरी करो, अच्छा जन्म बनाओ। दूसरी चीज कबीर साहब कहते हैं, जीवन को अच्छा बनाओ। आज अपने जीवन को अच्छा बनाने की फिक्र बहुत कम लोगों को है। बाबा जी, जीवन को अच्छा बनाने की फिक्र कौन करता है? जो जीवन को अच्छा बनाने की फिक्र करता है, याद रखना, वो सत्संग की तलाश करता है और आकर के नगर विकास मंत्री ऊंटवाल की तरह गंगाराम शिंदे के सत्संग की गंगा में डुबकी लगा ले। आप जैसा वो भी होता है सत्संग की गंगा में। अभी मैं तो सोचता था गंगाराम शिंदे के पास भी कुछ ज्ञान है। बोल रहे थे दिन भर में एक बार स्नान करना जरूरी है, स्नान ना करो तो शरीर में बदबू आने लगती है, ऐसा बता रहे थे। और कह रहे थे 24 घंटे दो बार खाना जरूरी, नहीं तो भूख लग जाती है, तो कुछ ऐसा। शरीर की स्नान से शरीर का मैल धुल जाता है, लेकिन शरीर का मैल धुलने से मन निर्मल नहीं होता है। मन की स्नान के लिए हैंडपंप का जल कामयाब नहीं है। मन की स्नान कहाँ होगी पता है आपको? सत्संग की गंगा में मन की स्नान होती है। जो व्यक्ति सत्संग की गंगा में डुबकी लगाता है उसका मन निर्मल हो जाता है, और जिसका मन निर्मल हो जाता है उसको पीछे पीछे हरि ढूंढता रहता है, तुम कहाँ हो कहाँ हो कहाँ। लेकिन मनुष्य का मन बड़ा चंचल है, ये भी विशेष बात है। करीब करीब ज्यादातर पति जिद्दी होते हैं, अपनी पत्नी की बात मानते नहीं, इसलिए घरों में दुख और दरिद्र रहता है। जिस घर का पति सरल है और पत्नी सहज है, पति विनम्र है पत्नी मधुर भाषिणी है, जिस घर का पति पंचुअल है और पत्नी एक्चुअल है, वास्तविक पत्नी, पंचुअल एक्चुअल इंग्लिश में सेट कर दो उस घर में लक्ष्मी का निवास रहता है, उस घर के लक्ष्य पूरे होते हैं। इसलिए सरल पति बनो और सहज पत्नी बनो, विनम्र पति बनो और मधुर भाषी पत्नी बन जाओ। पति कभी बाहर की उलझनों से अशांत हो, पत्नी का धर्म है कुछ मीठे शब्द बोल करके उसकी टेंशन को हल्की कर दो, उसको दुखाओ मत, पीड़ा मत। बाहर के संघर्षों से तुम तब तक नहीं हार सकते हो जब तक तुमको घर से सपोर्ट मिलती रहेगी। जब घर में संघर्ष चालू हो जाता है तो आदमी तुरंत हार खा जाता है। इसलिए घर वालों से निवेदन है कि बाहर वालों को सपोर्ट करते रहना, ताकि आपकी जिंदगी में सफलता का फटक खुलता। आपका पति देर में आए सवेर में आए, लेकिन उसका इंतजार भी करना, झटपट सो मत जाना, क्योंकि जीवन का लक्ष्य सोना नहीं है, जीवन का लक्ष्य कुछ करना है। और याद रखना, अगर तुम्हारा पति देर में आया है और तुमने उसको रिसीव कर लिया गेट पर, तो उसकी सब थकान मिट जाती है।
मैं पति से भी कहूँगा पति लोग, कभी कभी अपनी पत्नी के साथ बैठ करके 10 मिनट प्रेम चर्चा भी किया करें। प्रेम चर्चा, प्रेम की चर्चा करने से तुम्हारी पत्नी बीमार नहीं होगी। प्रेम की बातें करो। जिन पत्नियों के पास में उनके पति साल साल भर नहीं बैठते हैं, उनकी पत्नियां साल में 2 बार ज़्यादा बीमार होती हैं, अस्पताल में भर्ती हो जाती हैं, डॉक्टर भी टेंशन में पड़ जाता है, बीमारी तो कुछ दिख नहीं रही परंतु बीमार तो है। पति जब 3 दिन पत्नी के पास बैठा रहता है सिरहाने, डॉक्टर सोचता है मेरे इंजेक्शन से ठीक हुई है, पर पत्नी जानती है कि मैं अपने पति को पास बिठाने से ठीक हो गई हूँ। प्रेम भी इंजेक्शन है, बहुत बड़ा इलाज है। प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति है। ये संसार प्रेम से ही चलता है, प्रेम से ही संगठन बनता है, प्रेम का खेल है पूरा। प्रेम में भगवान को भी बांधा जा सकता है, प्रेम में इंसान को भी पकड़ा जा सकता है। प्रेम टूट जाए, आपके पास कोई रुकने वाला नहीं है। प्रेम जुड़ जाए, आपके पास भीड़ खत्म होने वाली है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न को, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े पंडित हो। मोड़ी माता नीमस जिले से मेरी यात्रा चित्तौड़गढ़ जिला संवलिया सेठ के यहाँ की थी। लगभग 1200-1300 यात्री पैदल गए, 65 किलोमीटर की पैदल यात्रा। तो माताएं बहनें और बहुत से पुरुष कह रहे थे कि इसमें कुछ लोग संवलिया सेठ के प्रेम में आए हैं पैदल, तो इसमें 80% तो आपके प्रेम में पैदल चले हैं जो कभी नहीं चले थे, लेकिन आप साथ में थे तो सब चल दिए। प्रेम में पैदल चलने में भी आनंद आता है, प्रेम में जमीन में बैठने में आनंद आता है। प्रेम देखता नहीं है कि बिछावन कैसा है, प्रेम ये भी नहीं देखता है कि हम जमीन पर बैठे हैं कि कुर्सी पर बैठे हैं, प्रेम ये भी नहीं देखता अभी हम सोए हैं कि नहीं सोए हैं। प्रेम केवल अपने प्रेमी को देखता है कि हमारे प्रेमी को दुख नहीं होना चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए, यही प्रेम की परिभाषा होती है। कोई त्योहार आए, पत्नियों से मेरा निवेदन है एक माला गूंथ लेना अपने हाथों से ही, या बाजार से मंगा लेना। एक माला अपने पति को पहना करके प्रणाम करना कुर्सी पर बिठाकर, होली में, दिवाली में, करवा चौथ में। पुत्र और लाड़ी से कहूँगा तुम अपने माता पिता सास ससुर को भी एक माला पहना देना, प्रणाम कर लेना। दुनिया के सभी देवी देवताओं की कितनी तुम पूजा करो, पाठ करो, लेकिन उतना फल नहीं मिलेगा जितना फल आप अपने माता पिता और पति की पूजा करने से प्राप्त कर सकेंगे, इसलिए त्योहार में उनका सम्मान करना चाहिए। जैसे कृष्ण अर्जुन के रथ पर बैठ करके अर्जुन का रथ हाँकते थे कि रथ मैं हाँकूंगा, जिधर रथ मोड़ दूं उधर बाण छोड़ देना, तुझे निशाना लगाने की टेंशन नहीं करनी है, निशाना मैं लगा दूंगा, बाण तू छोड़ देना, सफलता अपने को मिल जाएगी। अपने जीवन के रथ पर कृष्ण रूपी सदगुरु को बिठाइए, इंद्रियों के घोड़ों की संयम की लगाम सदगुरु के हाथों में सौंप दीजिए। विवेक का चाबुक होगा उनके हाथ में, इंद्रियों के घोड़े हैं तुम्हारे साथ में, बड़े चंचल घोड़े हैं, और अर्जुन बनकर के आत्मा रूपी अर्जुन बनकर तुम बैठ जाओ। फिर जीवन के महाभारत में सामने कौरव दल लड़ने के लिए खड़ा है, अहंकार दुर्योधन कौरव दल का राजा है। कौरव दल यानी अवगुणों का दल, बुराइयों का दल, वासनाओं का दल ही कौरव का दल है। अर्जुन बनकर के तुम लड़ रहे हो। कृष्ण जैसा अगर सदगुरु है तो जिंदगी के महाभारत में तुम्हारी विजय हो जाएगी। अगर कृष्ण जैसे सदगुरु के हाथ में तुमने लगाम नहीं सौंपी इंद्रियों के घोड़ों की, तो जिंदगी के महाभारत में तुम्हारी हार हो जाएगी।
सकलो दुर्मदूरी करो, अच्छा जन्म बनाओ। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, अपने जीवन में प्रेम को विकसित करना। सबसे पहले प्रेम और सेवा का भाव अपनी माँ के चरणों में अर्पित करना, उसके बाद अपने पिता का ख्याल करना, उसके बाद पूरे कुटुंब का ख्याल करो, फिर इस राष्ट्र का ख्याल करो, गौ माता का ख्याल करो, संतों का भी ख्याल करो, धर्म का ख्याल करो। अपने पेट के लिए तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं, जो केवल अपने पेट के लिए जिए दो पैर का पशु होता है। ईशाम न विद्या न तपो न दानम न चाप शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान करने की भावना है, न तो गुण है, न कला है, न शील है, न ज्ञान है, ऐसा व्यक्ति दो पैर का बिना सींग पूंछ का पशु है। चार पैर का पशु उतना खतरनाक नहीं होता जितना दो पैर का पशु खतरनाक होता है। आप रुपये गिन रहे हो, गड्डियां 10 करोड़ रुपये है अपने कमरे में गिन रहे हो, तुम्हारा भाई पास में बैठा है उससे बात भी करते हो बीच बीच, तुम्हारे प्यास लग गई तो तुम पानी पीने जाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे मन में संदेह है कहीं भाई कुछ नोट गायब न कर, दो पैर का पशु है। लेकिन पास में तुम्हारा कुत्ता बैठा है, भाई नहीं है, तो कुत्ते पर तुमको विश्वास है कि नोट गायब नहीं करेगा और तुम पानी पीने चले जाओ। कुत्ते ने बाजी मारी है इस आदमी से ज्यादा ईमानदारी में, भाइयों बहनों कुत्ता बाजी ले गया और मनुष्य होकर के महान बनने की शक्ति लेकर पैदा हुए थे, कुत्ते से भी पीछे हो गए हम। ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी, बहादुरी बहुत बड़ा गुण है। यदि तुम किसी की गाड़ी चलाते हो, अपनी जान से ज्यादा उसको रक्षा कर, तुम्हारी गाड़ी में कितना कीमती व्यक्ति बैठा हुआ है इस बात को सोचना। पूरे प्रदेश का नेतृत्व करने वाला है, पूरे देश का नेतृत्व करने वाला है, कितना लंबा बिजनेस चलाने वाला है, जिसके बिजनेस में 10,000 लोग रोटी और धोती प्राप्त कर रहे हैं, जिसके नेतृत्व में पूरा प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, में 18 वर्ष पहले भी इस रोड से आया था, रोड इतनी उखड़ी थी कि खेतों में भी रास्ता था कहीं कहीं। आज मैं पहली बार ऐसी चमचमाती रोड पर आया तो मैंने कहा धन्य है कौन बनाया है। बिल्कुल 110 में गाड़ी रख दिया 120 में, वो हमारा पायलट भी जबरदस्त दुबे जी, जो इशारा दे दो वही कार सर 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 अलोट आ गया। जब तक अलोट में स्वागत की तैयारी हुई हम पहुंच गए, ऐसी चमचमाती रोड। धन्यवाद है इस रोड को बनाने वालों ने। नगर विकास मंत्री जी कह रहे थे गुरुदेव 200 करोड़ रुपया इसके लिए पास करवाया था, बहुत मेहनत पड़ी है कि ये रोड बन जाए। मैंने कहा आपकी मेहनत का फल हमको भी मिला है, इसलिए आशीर्वाद है। मुझे गाड़ी में बिठा कर ले चलो, सोच लो ये कितना कीमती व्यक्ति है। हमारा चालक गाड़ी चलाता है, वो बच्चा है, मैं उससे कहता हूँ जरा स्पीड पकड़, कुछ नहीं बोलता पर स्पीड नहीं पकड़ता हो जाता, बोलता कुछ नहीं। मैं कहता हूँ देर हो रही है, बोला अभी गियर बदल रहा हूँ, वो बदलता है ही नहीं शांति से। वो समझता है कि देर हो जाए तो ठीक है लेकिन सुरक्षित पहुँचना चाहिए। जिनकी वाणी से हजारों लाखों करोड़ों
210 देशों को संदेश मिल रहा है, जीने की कला मिल रही है, उस शरीर की सुरक्षा भी जरूरी होती है। इसलिए याद रखना, अगर तुम ड्राइवर हो, तुम्हारे साइड में जो मालिक बैठा है उसकी सुरक्षा को ध्यान में रख करके गाड़ी चलाना, इसका नाम जिम्मेदारी है। प्रेम की गंगा अपने घरों में बहाइए। स्वर्ग आकाश में नहीं है, स्वर्ग इसी जमीन पर है। स्वर्ग दुकान पर नहीं मिलता है शंकरलाल खजूरी सोलंकी वाले, स्वर्ग दुकान पर नहीं मिलता है, स्वर्ग हमारे हाथ में है। खड़ा हो जा शंकरलाल, कांटा लगे न कंकर, जय 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 शिव शंकर। ये लोग सोचते होंगे गुरुदेव को नाम कितने मालूम है, मेरे को करीब 1-2 लाख नाम मालूम है। जितना गीता की श्लोक याद करने में मुझको मेहनत नहीं पड़ी है, उससे ज्यादा नाम याद करने में मेहनत किया, क्योंकि जिस भक्त को भूल जाऊं तो भक्त को दुख हो जाए कि गुरुदेव भूल गए। बोलो मनोहर, सही बात, भूलना नहीं। रामलाल, सत्य, बहुत याद करना पड़ेगा। जिस घर में मृदुवाणी बोलने वाले लोग हैं, प्रेम की गंगा बहाने वाले लोग हैं, उस घर में स्वर्ग है। मृदुवाणी सुंदर स्वभाव, गा दूं, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, अगर इजाजत हो तो गाऊं, इजाजत। मृदुवाणी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। भैर भाव नहीं कभी किसी से, हिल मिल सबसे रहते, जो कोई कड़वा कह देता, जो कोई कड़वा कह देता, उसको भी सह लेते, उसको भी सह लेते। खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, ओठों पे मुस्कान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे, तालमेल से ताली बजाओ, बड़ा आवाज, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम त्याग मांगता है, जिसके पास में त्याग नहीं है उसका प्रेम मर जाता है। प्रेम की जान त्याग है। भरत के प्रेम के लिए राम ने राज्य को त्याग कर दिया, राम के प्रेम को निभाने के लिए भरत ने राजगद्दी का त्याग कर दिया। त्याग के बिना प्रेम निभता नहीं है, प्रेम त्याग मांगता है। यदि तुम अपनी सुख सुविधाओं को त्याग सकते हो तो अपने परिवार में प्रेम को निभा सकते हो, और जिसके लिए तुम सुख का त्याग करते हो वह तुमको अपने दिल में स्थान दे देता है।
बाहर की स्थान सुरक्षित नहीं है, दिल में जो स्थान मिलता है वो परमानेंट सुरक्षित रहता है। इसलिए त्याग भी सीखना, कभी कभी अपनी पत्नी के लिए भी सुख का त्याग करो, अपने पति के लिए भी सुविधाओं का त्याग करो, कभी अपने भाई के लिए भी सुख सुविधा का त्याग करो, कभी भक्ति और सत्संग को प्रचार प्रसार करने के लिए भी अपने सुख सुविधा को त्याग कीजिए। अपने लिए तो सभी प्रबंध कर, चिड़िया भी अपने लिए घोंसला बना लेती है, लेकिन जो दूसरे की भी घोंसले की फिक्र करे उसका नाम इंसान होता है, जो दूसरे का घोंसला उजाड़ दे उसका नाम शैतान होता है, जो दूसरे के घोंसले की सुरक्षा करे उसी का नाम भगवान होता है, भगवान है। जय। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। लेकिन याद रखना, यदि आप किसी के साथ में परोपकार करना तो आप उसको भूल जाना, फिर याद मत करना कि मैंने इनका परोपकार किया था। लेकिन तुम्हारे साथ में यदि कोई परोपकार करे तो उसको जिंदगी भर मत भूलना, याद रखना और बार बार उसको धन्यवाद देते रहना कि तुमने हमारा उपकार किया, तुम्हारा सहारा ना मिलता तो आज मैं इतनी ऊंचाई पर उठ ना पाता, इसके लिए तुम धन्यवाद देते रहे। सेवा करने वालों को भी धन्यवाद देना, थोड़ी उनकी प्रशंसा भी करना, गौर से समझना। भगवान श्री राम ने भी हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, हनुमान जी की बहुत प्रशंसा किया है। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्री भरत ही संभाई। बाबा प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति होती है, एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से ही देश का कल्याण होता है, स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है। तुम्हारे घर में यदि प्रेम है तुम निश्चिंत होकर के बाहर घूम सकते हो, तुम घूम रहे हो तुम्हारा बेटा संभाल लेगा, पत्नी संभाल लेगी, आपस में प्रेम नहीं है तो तुम चिंता करोगे घर में कौन संभाले। प्रेम में बहुत शक्ति। मैं 12 महीने भ्रमण करता हूँ, सत्संग करता हूँ, हमारे पास में 4 आश्रम है, 4 आश्रम हमारे, एक आश्रम तो हमारे गुरुजी ही संभालते हैं और बाकी आश्रम हमारे संत संभाल लेते हैं, ये सब बस इनको हम संभाल लेते हैं, ये आश्रम संभाल लेते हैं इनको संभालना पड़ता है, क्योंकि इस उम्र में परिवार का मोह छोड़ करके हमारे पास आए हैं, तो अगर हम इनको पर्याप्त प्रेम नहीं देंगे तो ये हमारे पास कैसे रुकेंगे, बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। जिन्होंने हमारे लिए अपना जीवन दान कर दिया, अब जीवन में कुछ और करने का लक्ष्य नहीं है, जो गुरु की आज्ञा है वही इनका लक्ष्य है, तो उनके लिए हमको काफ़ी ख्याल करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, प्रेम की गंगा बहाना पड़ता है। भाइयों और बहनों, ग्राहक से भी प्रेम करना तो तुम्हारी दुकान अच्छी चलेगी,
इसमें दुकानदार बहुत बैठे हैं, मैं दुकान चलाने की कला सिखा देता हूँ। दुकान पर बैठना गुलाब के फूल की तरह तुम्हारा चेहरा खिला होना चाहिए, तुम्हारा चेहरा नाग फनी के कांटों जैसा ना हो। कुछ लोग दुकान पर ऐसे बैठते हैं जैसे मुर्दा दफनाने आए, उनका मुंह देख करके ही ग्राहक आगे बढ़ जाता है, सोचता हमको ही न दफना दे, बहुत मरा हुआ चेहरा। ऐसा लगता है घर में पत्नी ने रोटी कम बेला है, बेलन से इन्हीं को बेल दिया है। दुकान पर बैठे कराह रहे, हाय रे हाय रे हाय रे, मुस्करा कर बैठो। चीन में एक कहावत है, चीन के लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं। चीन के बहुत बड़े फिलोसफर ने कहा है, जिसके चेहरे पर मुस्कान नहीं है और जिसकी वाणी में मिठास नहीं है, उसे दुकान नहीं खोलना चाहिए, उसे दूसरा कोई काम ढूंढना चाहिए। फार्मूला है सीधा सा। बिना कारण प्रसन्न होकर बैठो, ग्राहक को लगे कि इसके पास में आनंद है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जो फूल खिल जाता है, मधुमक्खी भी बिना निमंत्रण उस फूल के अंदर जाकर घुस जाती, बैठ जाती। जो फूल खिला नहीं है, उसके पास से मधुमक्खी गुजर जाती लेकिन उसके भीतर नहीं बैठती है, क्योंकि वो खिला नहीं है। जिसका चेहरा प्रसन्नता के फूल से खिला हुआ है, वहाँ ग्राहक मधुमक्खी बन करके आकर बैठ जाता है, और जिसका चेहरा खिला नहीं है, सिकुड़ा हुआ है, वहाँ से ग्राहक आगे खिसक जाता है। ये फार्मूला। दूसरा फार्मूला, दुकानदार को कम से कम 1000 ग्राहकों के नाम याद रखना चाहिए, 1000 नाम पता, उनके बच्चों के भी नाम याद करो, मोबाइल नंबर भी लिस्ट रखो डायरी में। कभी कभी उनको मोबाइल लगाओ कि दादाजी बहुत दिन हो गए आए नहीं, क्या बात है। कभी कभी उनके बेटों की शादियों में भी चले जाओ, जोड़े रखो, सफल हो जाओ। अगर राजनीति में तुम सफल होना चाहते हो तो मैं आपको 7 फार्मूला आज बता देता हूँ। आज बताऊँ कि अगले साल बताऊँ? आज। सुबह की हवा 1000 रोगों की दवा, शाम की हवा क्या है? शाम की हवा बीमारी का धुआं। शाम को तुम टहलो जाकर के तो जितना धुआं है, प्रदूषण है, सब नाक में भर जाएगा, ठीक नहीं। सुबह की हवा, सुबह का 2 गिलास पानी अमृत का काम करेगा। मैं सुबह 5 गिलास पानी पीता हूँ, सोकर उठा 2 गिलास पीऊँगा, फिर मंजन किया फिर 2 गिलास पीऊँगा, फिर 1 गिलास पीऊँगा, फिर फ्रेश होऊँगा। 3 घंटे पानी पीने की जरूरत नहीं, बिल्कुल पथरी वथरी स्टोन फिस्टोन सब खत्म, ना कोई जलन खलन अस कुछ नहीं, सब लफड़ा खत्म। भोजन के बाद अगर तुम लघुशंका जाते हो तो गुप्त रोग की बीमारी तुम्हें कभी नहीं हो सकती, गारंटी के साथ बता देता हूँ। और सुबह उठ करके अगर 2 गिलास 3 गिलास 4 गिलास पानी पीते हो, फिर दातुन करते हो झुक करके, उसके बाद लेटरिन जाते हो, तुम्हें पेट संबंधी कब्जियत संबंधी रोग कभी नहीं होगा, पेट साफ रहेगा, माइंड क्लीन रहेगा आपका। किसी भी क्षेत्र में सफलता पानी है तो पहला फार्मूला है कि स्वस्थ रहो, शरीर को स्वस्थ रखो, रोगी मत बनो, थोड़ा कम खाओ, 2-4 बार दिन भर में हंसो, अपने कार्यों की सेटिंग अच्छी करो, डिसीजन सही लो, अच्छे लोगों के साथ में जोड़ो, किसी एक आदमी के बहकावे में मत रहो, सभी पर ध्यान केंद्रित करो, सभी लोगों को डील करने की कोशिश करो, किसी के बारे में कोई तुमको कुछ बताए शिकायत करे उसकी बात को जांच करो, ऐसे मत मानो।
कई कई मत बनो, कई लोगों के कहने में मत चलो, थोड़ा विवेक करो, सफलता मिलेगी। और राजनीति में सफल होने के लिए एक फार्मूला और बताऊंगा, विनम्रता, ये तीसरा फार्मूला है, विनम्र रहो, हाथ जोड़ना, पैर छूना, अपने से छोटों को भी प्रेम करना। भक्त ना होता तो भगवान कौन कहता ये भगवान है, मंत्री ना होते तो मुख्यमंत्री कौन बनाता उनको। जिन्होंने तुमको मुख्यमंत्री बनाया है उन अपने छोटे मंत्रियों से भी विनम्र रहना, अन्यथा कभी भी टांग खींच लेंगे तो तुम मंत्री भी नहीं रह जाओगे, ध्यान रखना। मैं तो सभी सासुओं से भी कहता हूँ, तुमको सासू बनाया किसने, तुम्हारी लाड़ी ने बनाया। जब लाड़ी तुम्हारे घर में आती है तब तुम सासू बन जाती हो, तो सासू की डिग्री देने वाली कौन है, लाड़ी। और तुमने लाड़ी को क्या डिग्री दिया है, लाड़ी तो लाड़ी, अपने आप शादी हो गई लाड़ी, लेकिन उसने तुमको सासू बना, जिसने तुमको इतनी ऊंची डिग्री प्रदान किया है, सासू बना दिया, तो उसका जरा ख्याल विशेष करना, अन्यथा कभी भी साइड ले लेगी तो तुम सासू नहीं रह जाओगे, वापस हो जाएगी। लाड़ियों का ध्यान रखो, और जब घर में लाड़ी आए तो ये मत सोचना लाड़ी आ रही है, ये सोचना एक नई सासू आ रही है। हाँ, आज की लाड़ी सासू से ज्यादा भयंकर है। सासू को सांस लेना मुश्किल है, सासू सो पड़ी रहे चुपचाप। वह लाड़ी महान है जो अपनी सासू को दुख नहीं देती है। और ये भी मैं बता दूंगा कि जो आज लाड़ी है कल वो सासू बनेगी, जो आज बेटी है कल वो लाड़ी बनेगी, कल जो लाड़ी है वो परसों सासू बनेगी, जो सासू है वो फिर दादी बन जाएगी। इसलिए याद रखना, जो व्यवहार तुम अपनी सासू के साथ करोगी उसी व्यवहार का 10 गुना फल तुम्हारी लाड़ी आकर के तुमको प्रदान कर देगी। इसलिए अपनी सासू को तंग मत करना ताकि तुम्हारी लाड़ी आए तो तुम्हारा भी सम्मान रख सके। गुरु को गुरु कौन बनाता है, शिष्य ही गुरु बना देता है। अगर शिष्य ना हो तो कौन कहेगा गुरु जी आप हैं, जैसे ये शिष्य बैठे बाबा हमारे, ये तो शिष्य शिष्य हैं, हमने तो इनको शिष्य बनाया लेकिन इन्होंने हमको गुरु बना दिया, बहुत बड़ी बात है। शिष्य तो एक छोटी चीज है, वो हमने बना दिया, लेकिन गुरु एक बहुत बड़ी चीज है, वो इन्होंने बना दिया। तो जो बहुत बड़ी चीज बनाए वो बड़ा होता है, जो छोटी चीज बनाए वो छोटा होता है। तो गुरु तो छोटी चीज बनाया, शिष्य बनाया, इसलिए गुरु छोटा हो गया, और शिष्य ने बहुत बड़ी चीज बनाया, गुरु को बना दिया, इसलिए शिष्य महान हो। भगवान कृष्ण का एक गीत है, आप कहो तो गा दूं, किसी को डिस्टर्ब तो नहीं, कृष्ण से एलर्जी तो नहीं है किसी को है? नहीं है तो ठीक है, गाओ। एक भक्त कृष्ण से कह रहा है, और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृष्ण से कह रहा है, भगवान अगर तुम्हारी कृपा करने की आदत न होती तो क्या होता, आपको पता है क्या होता? कृष्ण ने कहा क्या होता, तो भक्त ने कहा, और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। आपकी आदत है कृपा करने की, इसलिए कृपा ही करोगे और कुछ नहीं कर सकते आप। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी,
तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो ये महफिल सुनी रहती, खाली पंडाल होता इसमें कोई ना होता, आपकी कृपा करने की आदत है इसलिए पंडाल भरा हुआ है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, अगर हम इस माया के बंधन में मुलजिम बन करके पड़े ना होते तो तुम हमारे अफसर भी नहीं बनते। हम मुलजिम हैं इसलिए तुम अफसर हो। न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, और न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, और गरीबों से है बाद शाहत तुम्हारी। गरीबों से है बाद शाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। दूसरा, आप सफलता चाहते हो तो आप में हंसने की कला भी हो। ध्यान देना बाप जी, हंसने की कला। किसी सभा में पहुंचना, जब लेक्चर देना राजनीति में, तो माइक पकड़कर पहले थोड़ा हंस देना। हंसने में बहुत, कृष्ण भगवान हंसते थे, हंसने में लोग चिपक जाते हैं। हंसी बहुत बड़ी चीज है, हंसना कठिन है, दुखी रहना आसान है। हंसने वाले के संग में पूरी दुनिया है, रोने वाले के संग में तो अकेले ही रोना पड़ता है। इसलिए माइक पकड़ना, थोड़ा हंस देना और विनम्रता से भाषण करना, वीरता से भाषण करना, अपने किए हुए भाषण को याद भी रखना कि हमने कहाँ क्या भाषण कर दिया था। ऐसा न हो तुम ही भूल जाओ। और कम से कम 20 कहानी याद कर लो, कम से कम 20 शेर और रुबाइयाँ याद कर लो। जिस सभा में बोलो दो चार शेर बोल दो। तारीफ उस खुदा की जिसने तुम्हें बनाया है, ऐसी रुबाइयां बोलो शेर। तारीफ उस खुदा की जिसने तुम्हें बनाया है, और इतनी हसीन मिट्टी न जाने कहां से लाया है। ऐसी ऐसी शेर बोलना पड़ेगा। कुछ शेर और कुछ कहानियां भी सुनाओ शिक्षा प्रति, सत्संग की बातों से भी जुड़े रहो। अभी गंगाराम शिंदे जी सुना रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि पुराना सत्संगी आत्मा है। कम से कम 20 मिनट बोलते रहे वो सत्संग की बात, कहीं ये कहीं भक्ति कुछ कुछ बताते थे, मैं सुनता था ध्यान से। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उज्जैन कबीर महाकुंभ में जब उनको बोलने का अवसर मिला, ऐसा गजब का बोला वो आदमी कि मैं तो सोचता हूँ आड़ से सुनो तो लगे कोई महान संत बोल रहा है। इतने कबीर के दोहे रामायण की चौपाइयाँ लगाता चला। फिर मैंने उनसे पूछा, पास पास में बैठे थे दोनों, हमने कहा इतना याद कैसे है, पढ़ते हो कबीर साहब को रामायण को? बोले पढ़ने का टाइम ही नहीं। तो हमने कहा फिर कैसे याद है? बोले गाड़ी में कैसेट लगा देता हूँ,
और जब गाड़ी में बैठता हूँ तो सुनता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, याद करता रहता हूँ, बस याद हो गया। आपसे भी मैं कहूँगा अपने मोबाइल में भी सत्संग की बातों को डाल लेना और मोबाइल से प्रवचन सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना। सबके पास में करीब करीब मोबाइल है, मोबाइल में प्रवचन डालो और सुनो, मोबाइल में कुछ भजन भी डालो, मोबाइल में कुछ कबीर की साखी रामायण की चौपाइयाँ भी डालो। कबीर की एक साखी काफ़ी है तुम्हारी बंद आँखी खोलने के लिए, रामायण की एक चौपाई काफ़ी तुमको चौपट होने से बचाने के लिए, गीता का एक श्लोक काफ़ी है लोक परलोक संवारने के लिए। इसलिए कबीर की एक साखी याद करो तो जीवन धन्य हो। शक्लो दुर्मत दूरी करो, कबीर साहब कहते हैं समस्त दुर्बुद्धि को दूर करो, सद्बुद्धि की शरण में आ जाओ। जो बुद्धि तुमको शराब पीने की तरफ खींचे तो समझ लो वो दुर्बुद्धि है, जो बुद्धि तुम्हें सत्संग की तरफ खींच कर ले जाए वो सद्बुद्धि है, जो बुद्धि तुमसे दान परोपकार सेवा के कार्य कराने लग जाए तो समझ लेना अब तुम्हारे पास सद्बुद्धि का जन्म हो गया, जो बुद्धि तुमसे गलत कर्म कराने लग जाए तो समझ लेना अब दुर्बुद्धि आ गई है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये बुद्धि को विकृत कर देते हैं, दया क्षमा संतोष सहनशीलता ये बुद्धि को सुसंस्कृत कर देते हैं। रावण के पास अहंकार है, बुद्धि है, अहंकार है, जिसे दूध कितना अच्छा हो लेकिन उसमें मक्खी गिर जाए तो पीने का मन नहीं होता है। बुद्धि बुद्धि कितनी ही अधिक हो लेकिन उसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की मक्खियाँ गिर जाएँ तो वह बुद्धि फिर कोई काम की नहीं रह जाती है। बुद्धि का सही सदुपयोग करो। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभाव यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। कृष्ण गीता में अर्जुन को समझा रहे हैं जिसकी बुद्धि में युक्तता नहीं, जिसकी भावना में विवेक नहीं और जिसके पास भावना भी नहीं उसका दिल अशांत रहता है, जो अशांत है उसको सुख नहीं मिलता है। इसलिए बुद्धि में विवेक जागृत करो, विवेक की बहुत बड़ी आवश्यकता। एक छोटी सी आपको कहानी सुनाऊंगा मैं, बड़ी भावपूर्ण कथा है, विवेक जागृत करने की कथा है कि आपका विवेक जाग जाए। मैंने सुना है एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है, बड़ी गौर की बात है, उसकी पत्नी भी साथ में सहयोग कर रही है, शाम होने वाली है। पत्नी कहती है जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, संध्या आने वाली है। पति कहता है संध्या का भी डर है लेकिन सिंह का भी डर है, सिंह भी आ सकता, जंगल है। तो पत्नी कहती है सिंह से ज़्यादा संध्या का डर है क्योंकि संध्या तो अंधा कर देती है, अंधेरा हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए जल्दी करो संध्या से पहले निकल चलो, जब तक संध्या आए तब तक जंगल से पार हो जाओ। पति पत्नी दोनों बातें कर रहे थे, दोनों की बातें, झाड़ी में बैठा हुआ सिंह सुन रहा था। तो सिंह ने मन मन में सोचा कि संध्या हमसे भी ज़्यादा बलवान है, इसलिए ये लोग संध्या को डरते हैं, सिंह को उतना नहीं डरते। सिंह सोच में पड़ गया। लकड़हारा और उसकी पत्नी लकड़ी बांध कर चले गए। इधर क्या हुआ,
एक धोबी का गधा नाराज होकर भाग गया था। धोबी दिन भर ढूंढते ढूंढते थक गया, परेशान हो गया। दुनिया में ज्यादातर गधे नाराज होकर भाग जाते हैं। तुम ड्राइवर को कुछ कह दो, भाग गए। इस संसार में गधों की कमी नहीं है। तुम सोचते हो चार पैर के ही गधे होते हैं, अरे चार पैर के गधों की संख्या कम है, दो पैर के गधे ज्यादा है। दो पैर के गधों की भीड़ है, जरा सी बात में तनुक जाएंगे। गधा भाग गया था। धोबी ढूंढते ढूंढते जंगल में उसी स्थान पर पहुंच गया। अंधेरा हो गया है, रात हो गई है। झाड़ी से थोड़ी आवाज आई, धोबी वहां पहुंचा और एक डंडा सिंह की पीठ पर मारा। कहा, नालायक, यहां छिपकर बैठे हो। सिंह बड़ा दुखी हुआ। सिंह सोच में पड़ गया, वही संध्या आ गई है, डंडा मार रही है। मैं भी पहले से यहां से निकल जाता, दूर चला जाता तो बच जाता, लेकिन मैं इसी झाड़ी में बैठा रहा तो संध्या आ गई है, संध्या ने डंडा मारा है। लेकिन वो धोबी डंडा मार रहा है। सिंह के पास विवेक नहीं है, समझ नहीं पा रहा। इस दुनिया में जिसके पास विवेक नहीं, समझ नहीं, वो आदमी हमेशा दुख पाता है। सिंह है लेकिन डंडे खा रहा। ध्यान देना, बहुत अच्छी कथा है। फिर कान पकड़ा सिंह का धोबी ने और खींचा, कहा चल। तो सिंह ने सोचा, शांति से चला जाऊं तो ठीक है, नहीं तो संध्या और मारेगी। सिंह झुके झुके जा रहा है। सिंह धोबी पीट रहा है, भ्रम हो गया। जब तुम्हारे पास में विवेक नहीं होता है, तुमको भ्रम भी बहुत होता है। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। और जो भ्रम है ये बिना दुख के दुखी करता है आपको। यदि आपको भ्रम हो जाए कि हमारी पत्नी ठीक नहीं है, बस टेंशन शुरू। तुम्हें भ्रम हो जाए कि हमारा पति ठीक नहीं चाल चलन का है, बस असमंजस शुरू। भले वो ठीक है लेकिन केवल भ्रम हो गया तो भी दुख शुरू। इसलिए विवेक की आवश्यकता है। तो उस सिंह के पास विवेक नहीं है, उसको भ्रम हो गया कि ये संध्या आई है, मुझे डंडा मार रही है। तो सिंह झुके झुके जा रहा है, अब कान पकड़कर धोबी खींच रहा है। ले जाकर अपने द्वार पर खूंटे में बांध दिया, एक पतली रस्सी में बंधा है सिंह। सिंह भी सोच में पड़ा है, ऐसा डंडा कभी खाया नहीं। सिंह को कौन डंडा मार सकता, इसलिए बकरे की बलि करते हैं हिंदू लोग, सुअर की बलि करते हैं हिंदू लोग, कोई गाय की बलि करता है, लेकिन सिंह की बलि कोई नहीं करता है। क्योंकि सिंह की बलि जो करने जाए तो सिंह स्वयं उसकी बलि कर देगा, इसलिए सिंह की बलि नहीं होती। और बलि भी उसी की लोग करते हैं जिसको खाने खाते हैं। कोई कौवा की बलि किया इस तक, क्या उसमें मिलेगा, बकरी की बलि। और बलि करना है, देवी देवता बकरी मुर्गे और सुअर की बलि पसंद नहीं करते, गाय की बलि पसंद नहीं करते। देवी देवता तुम्हारे अहंकार की बलि और कुर्बानी पसंद करते हैं। ज्ञान की तलवार लेकर अहंकार को काट कर उनको अर्पित कीजिए, यह सबसे बड़ी बलि और कुर्बानी है। सीधे बैठ जाओ। बंद कर दिया दरवाजा, सो गया धोबी। सवेरा हुआ, धोबी उठा, दरवाजा खोला, देखा सिंह बंधा है। धोबी के होश उड़ गए कि गधा लाया था पकड़ कर, ये सिंह कैसे आ गया।
और सिंह ने जब देखा यही आदमी रात में कान पकड़ कर लाया है, डंडा से मारा है, तो सिंह ने सोचा ऐसे ऐसे आदमियों को तो एक मिनट में फाइनल कर देता हूँ, ये डंडा मारा, मैं सोचता था कोई संध्या है। जब दिन का उजाला हुआ, प्रकाश हुआ, उजाले में सब दिख गया, तो सिंह ने एक दहाड़ मारी और दहाड़ मार करके रस्सी को तोड़ करके सिंह स्वतंत्र हो गया, जंगल में भाग कर जा करके छिप गया। याद रखना भाइयों बहनों, जब तक तुम्हारा विवेक रूपी प्रकाश जागृत नहीं है तब तक तुम भ्रम के अंधेरे में संध्या के डंडे अर्थात आदतों के डंडे खाते हो, आदतों की गुलामी करते हो। जब दिन जैसा सवेरा हो जाता है, विवेक का सूरज उदय हो जाता है, तब तुम समझ जाते हो कि मैं सिंह स्वरूप आत्मा हूँ, ये आदतें तो धोबी के समान कमजोर है। तब तुम ज्ञान की गर्जना करके आदतों की गुलामी से छुटकारा पा जाते। आपका कल्याण हो, ऐसी मेरी शुभकामना। सकलो दुर्मत दूरी करी अच्छा जन्म बनो। कबीर साहब कहते हैं अपने जीवन को अच्छा बनो, जीवन को अच्छा बनो। आज आदमी अपना मकान अच्छा बनाता है, दुकान अच्छी बनाता है, कपड़े अच्छे पहनता है, घड़ी अच्छी बांधता है, लेकिन आदमी अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए नहीं सोचता। मैं आपसे सच कहूँगा, आपका मकान भी अच्छा होना चाहिए, दुकान भी अच्छी होनी चाहिए, कपड़े भी अच्छे होने चाहिए, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी सब अच्छा होना चाहिए, लेकिन आपका जीवन भी अच्छा होना चाहिए। सब चीज़ें अच्छी होंगी तो आपको सुविधा मिलेगी, लेकिन जीवन अच्छा होगा तब आपको सुख और शांति मिलेगी। इसलिए अपने जीवन को भी अच्छा बनाओ। जीवन अच्छा कैसे बनेगा? सत्संग की गंगा में डुबकी लगाओ। रत्नाकर डाकू डाकू था, सप्त ऋषियों की संगत मिल गई, सत्संग के प्रभाव से वाल्मीकि साधु बन गए। नरद न संग माहो वाल्मीकि संत बनी जाई छे, नरद न संग माहो वाल्मीकि संत बनी जाई छे, संत बनी जाई छे रामायण लखाई छे, संत बनी जाई छे रामायण लखाई छे, संतो न संग माहो जीवन धन्य बनी जाए छे। वाल्मीकि ऋषि ये रत्नाकर डाकू थे, जिसका लूटने का ही धंधा था, मारने का धंधा था। सप्त ऋषियों की सत्संगत को पाकर के वह साधु हो, इतने बड़े संत हो गए, ब्रह्म ऋषि हो गए कि भगवान राम भी उनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। वाह, सत्संग कितनी ऊंचाई पर उठा देता है इंसान को, डाकू को साधु बना देता है, एक साधारण व्यक्ति को ब्रह्म ऋषि बनाकर बिठा देता है, और भगवान को भी दंडवत प्रणाम करना पड़ता है। इसलिए सत्संग की महिमा याद रखना सदैव। संगत का बहुत प्रभाव होता है। संगत का इतना प्रभाव है, आपको मैं एक दो कहानी सुनाऊं, छोटे छोटे उदाहरण हैं। चींटी को फूल की संगत मिल जाती है तो चींटी भगवान के मंदिर में चढ़ जाती है। चींटी को कौन चढ़ने देगा भगवान पर, लेकिन फूल की संगत चींटी ने कर लिया तो भगवान के ऊपर चढ़ने का मौका मिल गया। और भगवान को जो 56 प्रकार का भोग लगाया गया है, उसे भगवान भोग लगाता है कि नहीं लगाता ये तो पक्का पता नहीं, लेकिन चींटी प्रेम से बैठकर उसे भोग लगाती है, फूल की संगत का फल। वही चींटी जब जलती हुई लकड़ी का संग कर लेती है तो आग में जल करके मर जाती है, भस्म हो जाती है। वही चींटी धूल का संग करती है, पैरों के नीचे रौंद कर मार दी जाती है। वही चींटी फूल का संग करती है तो भगवान के ऊपर चढ़ जाती है और 56 प्रकार के भोग लगा देती है। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आप सोचिए, लेकिन संगत एक सवैया में सुना दूं।
ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति ध्यान बढ़े तपसी संग कीन्हे मोह बढ़े परिवार की संगति लोभ बढ़े धन में चित दीन है क्रोध बढ़ई नर मूढ़ की संगति काम बढ़े तिय के संग कीन्हे बुद्धि विवेक विचार बढ़ई कवि दीन सुसज्जन संगति कीन्हे मूढ़ व्यक्ति के संग में क्रोध बढ़ता है और घटता कैसे है ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगति ध्यान घटे चित को भर माए तेज घटे सब भोग की संगति बुद्धि घटे बहु भोजन खाए बहुत भोजन खाने से बुद्धि घट जाती इसलिए रोज खाना लेकिन कम खाना एक रोटी कम खाओ दो मीटिंग खाते हो तो साल में 730 रोटी बचेगी और 730 रोटी की कीमत एक रोटी लगभग 2 रुपये की तो हो जाती है तो 1460 रुपये की रोटी बच गई 1460 रुपये अगर धर्म में लगा दो तो तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और पुण्य बढ़ जाएगा लेकिन एक रोटी जो ज़्यादा खा लेते हो वो जा करके सभी रोटियों को बिगाड़ देती है पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो फेल हो जाएगी ओवरलोड हो जाने के बाद कम खाना पानी ज़्यादा पीना प्यास लगे तब पी लो भोजन थोड़ा कम उससे बुद्धि घट जाती है बुद्धि घटे बहु भोजन खाए प्रेम घटे नित ही कुछ मांगते मान घटे नित पर घर जाए दयाल कहीं सुन रे नर मूर्ख पाप घटे हरि के गुण गाए क्रोध बढ़ई नर मूढ़ की संगति क्रोध बढ़ई नर मूढ़ की संगति काम बढ़ई तिय के संग कीन्हे मोह बढ़ई परिवार की संगति लोभ बढ़े धन में चित दीन्हे बहुत सावधान क्रोधी के संग में क्रोध बढ़ जाता है अगर गाली देने वाले के संग में तुम रोज रहो तो तुम्हारी आदत भी गाली देने की बन जाएगी मीठा बोलने वालों के संग में रहो तो तुम भी मधुर बोलने लग जाओगे प्रसन्न रहने वालों के संग में रहो तुम्हारे ऊपर भी प्रसन्नता का प्रभाव पड़ जाएगा तुम भी खुश रहने लग जाओ आलसी के संग में रहो तो आलस्य बढ़ने लग जाता है परिश्रमी के संग में रहो तो मेहनत करने का मन होने लग जाता है ये संगत का प्रभाव है सुआ पंछी भी अगर भक्त के घर रहता है वो भी सीताराम बोलने लग जाता है अगर किसी झगड़ालू के घर रहता है तो सुआ भी गाली देने लग जाता है सीख जाता है पंछी इतना सीख लेता तो मनुष्य क्यों नहीं सीखेगा तो सकलो दुर्मत दूरी करो अच्छा जन्म बनाओ अपने जीवन को भी अच्छा बनाओ आपका जीवन अच्छा और आपका जीवन अच्छा है तो आपके लिए स्वर्ग है मैंने सुना है एक आदमी बैलगाड़ी में जा रहा था 2 मिनट की कहानी है उसका परिवार बैठा है घर का सामान है जा रहा है किसी चौराहे पर पहुंचा पानी पीने के लिए बैलगाड़ी को रोका एक बुजुर्ग हुक्का पी रहा बैठ करके हुक्का जानते हैं आप लोग इधर भी चलता है नहीं चलता बड़ी दया है लोगों की हुक्का छोड़ दिया तो अफीम खाना शुरू किया
कुछ न कुछ चलाते रहते लोग। बुजुर्ग से पूछा, दादाजी आपके गांव में हम रुकना चाहते हैं, ये गांव के लोग कैसे हैं? तो उस दादा ने कहा, तुम जिस गांव से आए हो उस गांव के लोग कैसे, पहले ये बताओ अपना गांव छोड़ा क्यों? तो उस बैलगाड़ी के मालिक ने कहा कि मेरे गांव के लोग बड़े दुष्ट हैं, नालायक हैं, कठोर हैं, अपराधी हैं, उनके साथ में हम नहीं रह सकते। दादाजी आपके गांव में थोड़ी जगह मिल जाए तो हम घर बनाकर आपके पास गुजारा करें। उस बुजुर्ग ने कहा, मेरे गांव के लोग तो महानालायक हैं, महादुष्ट हैं, बहुत धूर्त हैं, छली हैं, कपटी हैं, बेईमान हैं, इनकी तो कहानी मत पूछो, इस गांव में रुकना मत, तुम आके चले जाओ। ये चर्चा चल ही रही थी तब तक एक दूसरी बैलगाड़ी भी आ गई, उस पर भी परिवार बैठा था, वो भी पानी पीने के लिए उतरे। उन्होंने भी उस बुजुर्ग से पूछा, दादाजी आपके गाँव के लोग कैसे? तो उस बुजुर्ग ने पूछा, तुम जिस गांव को छोड़कर आए हो उस गांव के लोग कैसे, पहले ये बता दो। तो उसने कहा, मेरे गांव के लोग इतने प्यारे हैं, इतने निराले हैं, इतने मीठे हैं, इतने रसीले हैं कि उनको छोड़कर मैं अपनी समस्या के कारण आया हूँ, लेकिन मेरे गांव जैसे लोग कहीं नहीं मिलेंगे, मेरा गाँव तो स्वर्ग जैसा गाँव है। मैं थोड़े दिन आपके गाँव में रुकूँगा, उसके बाद फिर वापस अपने गाँव में ही जाऊँगा, मेरा गाँव क्या है वो तो स्वर्ग है। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम इसी गांव में रुक जाओ, इस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठे हैं, बहुत रसीले हैं, बहुत प्यारे हैं, तुम ठहर जाओ, जगह मैं दे दूंगा, मकान मैं बनवा दूंगा, तुम यहीं रहना, सदा बस जाओ। तो पहली बैलगाड़ी का मालिक कहने लगा, दादाजी इसको बता रहे बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे को बता रहे बहुत बुरे लोग हैं, ता है सब कौवा की तरह चिल्लाते रहते हैं, उन घरों में कौवा भी बैठने में शर्माता है, कौवा जान जाता है यहाँ पहले से ही बड़े बड़े कौवा बैठे, यहाँ बैठ कर क्या करोगे? आपकी वाणी कौवा जैसी ना हो, आपकी वाणी कोयल जैसी हो। कोयल जब बोलती है तो उसके पीछे तुम दोहराते हो, और कौवा बोलता है तो पत्थर लेकर तुम मारते हो। कोकिला नाम सरो रूपम, स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम। कोयल का अगर आभूषण कुछ है तो सुंदर रूप उसका कुछ है तो उसकी मीठी बोली है, स्त्री का सुंदर रूप यदि कुछ है तो पतिव्रता धर्म है, और साधु का सुंदर रूप है तो उसका क्षमा धर्म है। और याद रखना, कुरूप मनुष्य का सुंदर रूप अगर कुछ है तो उसकी विद्या है, उसकी कला है, उसके गुण है। विद्या रूपम कुरूपाणाम, क्षमा रूपम तपस्वी नाम, कोकिला नाम सरो रूपम, स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम। पतिव्रता धर्म बहुत बड़ा धर्म है, सारे धर्म ऐसे समा जाते हैं पतिव्रता धर्म में, जैसे हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं, ऐसे ही पतिव्रता धर्म में दुनिया के सब धर्म व्रत समा जाते हैं। जिस समय मेघनाद ने लक्ष्मण को शक्ति बाण मारा है, लक्ष्मण बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए, अयोध्या में सूचना आई, कौशल्या रोने लग गई, सब रोने लग गए, लेकिन उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी है वो हंस करके काम कर रही है। सबने कहा, तेरे पति मूर्छित हैं और तू यहाँ हंस रही है? उसने कहा, मेरे पति का बाल बांका नहीं होगा, देखने वालों को लगता है कि ये युद्ध मेघनाद और लक्ष्मण का हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, ये युद्ध जो है सुलोचना और उर्मिला का भी चल रहा है। मैं भी पतिव्रता महिला हूँ, मैं तपस्वी महिला हूँ, मेरे पति का बल बांका नहीं होगा, एक दिन मेरा पति ही जीत हासिल करेगा, वो मूर्छा थोड़े समय के लिए है, मेरे पति को फिर होश आएगा। और वही हुआ, लक्ष्मण फिर से संभल गए और जीत राम और लक्ष्मण की हुई है। पतिव्रता धर्म पत्नी की तपस्या पति को ही शक्ति प्रदान करती है। कितने घरों में ना तो पतिव्रता पत्नी है, न पत्नीव्रता पति है, दोनों एक ही मॉडल है। और गृहस्थाश्रम इतना बड़ा आश्रम है कि जहाँ पर भगवान का भी जन्म होता है, संत का भी जन्म होता है, सभी का जन्म गृहस्थाश्रम में ही होता है, माँ बाप के द्वारा ही होता है, इसलिए गृहस्थाश्रम अच्छा भी है। हम भी तो किसी माँ बाप के द्वारा जन्म लिए, लेकिन है थोड़ा जंजाल, और जिसमें इच्छा हो जाए साधु बनूं तो मेरे से अकेले में मिलना,
मैं जंतर मंत्र कर दूंगा, भग जाओ हमारे साथ, संत हो जाओ। संत भी बनना चाहिए, क्योंकि संत जो है पूरे धर्म को संभालता है। सच्चे संत बनो। एक चीज कहूंगा, स्वयं के विवेक को जागृत कीजिए, दूसरी चीज जीवन को अच्छा बनाइए, तीसरी चीज कौए जैसी चाल बोली खान को त्याग कीजिए, चौथी चीज हंस जैसे सारग्राही बनो। इन चार बातों को संभाल के रखना। कभी कभी अपने पति को ये पंक्तियाँ सुनाना, तुम्हारा पति थका हो बैठकर गा देना कि तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा, उसकी थकान कम हो जाएगी। कभी कभी अपने खेत की मेड़ पर बैठकर माल में बैठकर गाना, तुम्हें मस्ती मिलेगी। आंखें बंद करो, घुटनों पर हाथ रखो, तीन उंगलियां फैलाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः।